किसने ऑथराइज किया था ये सब कुछ? सर रोहिल साहब ने हुक्म दिया है मुझे। और क्या क्या है? सर उन्होंने एक डिजाइनर साइन किया है जो कल रूम को डेकोरेट करेगा। सर 7.5 लाख का एस्टीमेट दिया उसने, बाकी 3 लाख उसकी अपनी फीस है। और हाँ सर, 1500 cc नए मॉडल की गाड़ी का रेगुलेशन भी है। लेकिन ये रोहिल साहब ने नहीं कहा, गाड़ी का समरीन मैडम ने कहा है मुझे। अच्छा फिलहाल सब कुछ रोक गए, मैं रोहिल से और बड़े भैया से बात करता हूँ तो फिर बताता हूँ आपको। शुक्रिया। ओके सर। रोहिल और शम्मो पर तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, हमने ना कभी पूछा ना कभी एतराज किया। अब अपनी बेटी अगर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही है तो उसकी रास्ते की दीवार क्यों बन गया? जरूरत के लिए खर्चा और फजूल खर्ची बहुत फर्क होता है। समरीन ऑफिस जा रही है, अच्छी बात, लेकिन जो आप समरीन और रोहिल का मुवाजना करती है ना, इससे मुझे बहुत उलझन होती है। आपकी उलझन सिर्फ एक ही है, आप चाहते हैं कि हम सारी जिंदगी बड़े भैया और भाभी जान के सामने दस्ते नगर बनकर खड़े रहे, जो भी मिलता है सब्र शुक्र के साथ कनात करें। सिर्फ इतनी सी उलझन है। तिनका तिनका जमा करके हमने एक कारोबार खड़ा किया है। जब रोहिल ने ज्वाइन किया था तो उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट, और आज सिद्दीकी लॉजिस्टिक्स का नाम मार्केट में है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ रोहिल का है। तो समरीन कौन सा आपके कारोबार पर कब्जा करने जा रही है? बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। नहीं, बात दरअसल ये है कि शादी वाले वक्त कोई दोस्त नहीं मिला जो मुझे ये कहता कि भाई कहां तुम रामपुरियों में फंस रहे हो, उनकी जबानें नहीं होती, गरारे वाले चाकू होते हैं, जिंदगी भर सवाल जवाब ही करते रह जाओगे। निकल आई ना बाहर, अलाहाबादियों की फितरी अदावत रामपुर के लिए। बड़े भैया चाय के लिए बुला रहे थे, आप भी चलें तो अच्छा रहे। आप अब आए? अक्सर होता है ऐसा, जब अपने आप से बहुत अरसे बाद मुलाकात होना तो इर्द गिर्द के मंजर एट टाइम्स नजर आ जाते हैं। हाँ, पुराने दौर में चली गई थी मैं। लाहौर की बसंत, रंग बिरंगी पतंगे और आसमान, इतनी रंग बिरंगी पतंगे होती थी कि आसमान लगता था जैसे बहुत सारी तितलियां।
टांगे पे स्कूल जाती थी मैं। तो सब बदल गया, वक्त बदल गया, मेरे हालात बदल गए। I disagree. आप बिल्कुल भी नहीं बदली, बल्कि आपने तो इन मेमोरीज के थ्रू अपने आप को फिर से याद किया है। ट्रस्ट मी। मशहूर मियाँ, एक बात बताएं, क्या आप समरीन के हमारे ऑफिस में काम करने के खिलाफ हैं या फिर सिरे से लड़कियों के काम करने के खिलाफ हैं? अगर आप मेरी बात को दावाएं करेंगे तो कौन समझेगा मुझे? समझाए मशहूर मियाँ, हम हमतन गोश हैं। लड़कियां काम करें, घर से बाहर निकलें, ये तो वालदैन के लिए काबिल फख्र बात है। जब समरीन ने अपना कुकिंग शो स्टार्ट किया था तो मैंने उसकी हौसला अफजाई की थी, याद है आपको? ये मामला कुछ और है। इसमें क्या अलग है? ये दोनों माँ बेटियां, इनका ये कहना है कि रोहेल बिला शरकत गैर इस पूरे कारोबार का मालिक है, जो कि आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पता है बात क्या है मशहूर बहन, आप हद से ज्यादा सोच रहे हैं। समरीन के हमारे ऑफिस में शमूलियत से रोहिल पे काम का बोझ कम पड़ेगा। कॉल करें आप मजीद अहमद को, वो बताएगा आपको कि समरीन जिम्मेदारियों का बोझ कितना कम कर रही है। अकबाल ने क्या खूब कहा था, नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर। नहीं समझे, बिगाड़ेगी ना, बिगाड़ने तो। अरे जब बिगाड़ेगी नहीं तो बनाना कैसे सीखेगी? बहुत आगे की चाल है, तुम नहीं समझो। चलो शुरू करते हैं भैया, आ चुके।